आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, एक तरफ अमृत महोत्सव है और दूसरी तरफ सरल काश के प्रति जो अत्याचारों की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। आज ये जो इंद्र कुमार के साथ हुआ, इससे पहले आपका जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ, और ये हत्याएं हुई हैं कि इतनी दर्दनाक है कि आज पूरा देश, पूरा सोशल मीडिया और पूरा युवक चिंतित है। अभी सरकार ने जिस तरह से मुआवजे की बात की, जब आपका कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ बिना किसी मांग के सरकार ने 50 लाख और दो व्यक्तियों की नौकरी दी। आज इंद्र कुमार के साथ जो एक हत्या हुई है उसकी, और पूरे देश में दिल्ली तक हर समाज और हर सोसाइटी में जिस तरह का एक चिंता का विषय है और हर आदमी डिमांड कर रहा है कि भाई उस व्यक्ति को हत्याकांड में जब 50 लाख और दो की नौकरी दी गई तो इसमें क्यों नहीं दी गई, यही डिमांड जितेंद्र गोठवाल के जितेंद्र हत्याकांड को लेकर की जा रही है। आज जो भी सोशल मीडिया है, जहाँ भी है, जिससे भी बात करो, संगठन है, सब लोग चिंतित होकर बात कर रहे हैं। हमारे एक साथी जो विधायक हैं, उन्होंने तो अपने तकलीफ में मतलब इस बात को देखते हुए पानाचंद मेघवाल जी ने मुख्यमंत्री से पेशकश कर दी है कि मुझे इस पद से हटा दिया जाए। हम जब इस समाज और सोसाइटी की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे मन रहने का कोई मतलब नहीं है। आज मैं डिमांड करता हूं आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से कि इस हत्याकांड में इंद्र कुमार में भी 50 लाख और दो व्यक्तियों की नौकरी मिलनी चाहिए। आज हमारे साथ धार्मिक शोषण हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है, पुलिस अत्याचार कर रही है। कल जिस तरह की कहना है, ये बेचारे जिन लोगों ने लाश के पास थे या आपने रखे हुए थे, जिस तरह के टांके इनके चेहरों पर और वो आए हुए हैं, पट्टियां बंधी हुई है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही मैं डिमांड करता हूँ कि जिस तरह की क्या नाम फैक्चुअल रिपोर्ट हमारे पास भेजी गई, उसमें ये कहा गया कि मटके जैसी कई कोई स्थिति थी ही नहीं, जबकि वास्तविकता यहाँ आने के बाद जब मैंने कई लोगों से पता किया तो ये वास्तविक है। तो जिस भी अधिकारी ने, जिस थानेदार ने ये रिपोर्ट भेजी है, उसको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। और स्थिति यह है कि बिना किसी उसके विलंब के सरकार को इसकी मुआवजा राशि और दो को नौकरी, इसके साथ साथ ही जो जितेंद्र मेघवाल का हुआ है वो भी मामला लंबित पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति आज जानना चाहता है, जब से मैं निकला हूँ, जब से ये बात हुई है, हर व्यक्ति चाहता है कि इस तरह का भेदभाव क्यों, उसको 50 लाख और दो की नौकरी क्यों और हमको क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये सरकार है वो भी हम दलितों और गरीबों पर अत्याचार कर रही है, वो हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जिस तरह की हरकतें हैं और जो कहानी आज निकल के आ रही है, मुझे 6 महीने हो गए आयोग का चेयरमैन बने हुए, कम से कम नहीं तो लोग जो बेचारे रोते थे, परेशान थे, तकलीफ में थे, आज वो निकल के आ रहे हैं। हमारे कितने जमीन पर कब्जे हैं, कितने अत्याचार हैं, कितने रास्ते रोक रखे हैं। आज मैंने पहले भी इस मामले में बात की और मुख्यमंत्री जी से कहा कि आपने प्रशासन गांव के संग चलाया, प्रशासन शहरों के संग चलाया, प्रशासन एक बार दलितों के संग चलाइए। सरकार मदद कर रही है, काम कर रही है, लेकिन इतना नहीं कर रही जितना कि करना चाहिए। आज मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि एक जिस तरह का माहौल लोगों में मजबूती और ताकत मिली है और लोग आने लगे हैं, पहले स्थिति ये थी कि जिस पे जमीन पे जो कब्जा कर रखा है उस कब्जे के लेकर अगर तहसील और कलेक्टर के पास जाते थे तो वो तो कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन इवन देन उसके हाथ पैर और तोड़ दिए जाते थे सुनते ही कि भाई ये तेरी क्या बात। तो आज ये लोग निकल के आने लगे हैं, बात करने लगे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, हर बार मन की बात करते हैं, एक बार इन दलितों के लिए इनकी मन की बात तो सुन लीजिए। आप चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक दिन तय करें और एक दिन ऐसा तय करें 15 दिन तक उसका प्रचार करें, और ये करें कि कोई भी दलित, कोई भी SC ST का आदमी अपनी कोई भी तकलीफ हो लिखित में तहसीलदार, SDM, जिला कलेक्टर, आपके राज्य सरकार और आयोग को एक प्रति दें कि भाई ये हमारी तकलीफ है।
एक दिन पूरा रिकॉर्ड करें और ये कहें कि निडर होके हरा व्यक्ति हम लोग, जब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है, जब आपको आज़ादी के 75 साल का जो महोत्सव मना रहे हैं ना आप, उसका आपको आइडिया लगेगा। अरे इस गरीब और दलितों की जो समस्या है, जो पोजिशन है, आज जहाँ देखो, जहाँ जिस देखो, जब ये हो रहा है और आज़ादी के 75 साल मना रहे हो, हर घर में झंडा लगा रहे हो। अरे भाई झंडा तो पहले इन लोगों की जो तकलीफ है उनको तो सुनो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का क्या नाम है इसमें भेदभाव नहीं हो, और एक दिन क्या नाम है ना जो ये तय करें, जिस तरह से वोटिंग होती है सुबह 8 बजे लेकर और जब 5 बजे तक, और जितने लोग अंदर आ जाते हैं उनकी सबकी अपील ली जाती है। आज हर व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए, सरकार दोनों सरकारों को ये सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, कहीं तकलीफ में है, कहीं परेशानी में, जो भी है, वो लिखित में अपना रिकॉर्ड कराए। जब आँख खुलेंगे आपकी, जब पता चलेगा हम आज़ादी के 75 साल कहाँ खड़े हुए हैं। अरे ऊपर से लिपापोती करने से काम नहीं चलता। आज बेचारे उनको इनको सोसाइटी से तकलीफ हो रही है, इसको धार्मिक अत्याचार होता है, इनके पास पुलिस का अत्याचार होता है, जाते हैं थाने में तो वहाँ और दूसरे क्या नाम है जो उसी को फंसा दिया जाता है। ये क्या हमारे पास नहीं है क्या खबरें, हम जानते हैं। और दूसरी स्थिति यह है कि इसके बाद फिर आज सरकार अत्याचार कर रही है। तो सरकार को निष्पक्ष रूप से ये तय करना चाहिए, ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आज सब लोग खड़े हुए हैं और पूरा देश इस बात को देख रहा है, दिल्ली तक खबर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, जिन्होंने अपने मन से इस बात को ट्वीट किया और एहसास किया कि दलितों पर अत्याचार है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं फिर राहुल गांधी जी को निवेदन करूंगा कि आज वो अपना इंटरवेन करें और इंटरवेन करके इस राज्य सरकार को ये कहें कि उन दोनों केसों में भी हमको 50,000 रुपया और 2-2 नौकरी चाहिए, जब भी हमारी क्या नाम हम बराबर और उसमें आएंगे। हमने ऑपरेशन समानता चलाया। ऑपरेशन समानता क्या है? यह ऑपरेशन समानता में क्या आज ये असमानता नहीं दिख रही क्या? सरकार को दिख रही कितनी असमानता है, तो इस असमानता को समानता के रूप में ग्रहण करने के लिए आज इनका मनोबल बढ़ेगा, इनकी ताकत बढ़ेगी। और ये, और मैं एक बार और निवेदन करूंगा कि जो भी अत्याचारी है उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट करके सरकार उसको पैसे को लेना चाहिए, 50,000 हमको दे, सरकार दे और उसकी रिकवरी करे उसकी प्रॉपर्टी, ताकि ये अत्याचार खत्म हो। आज जिस इलाके में जिस तरह की हरकतें हैं, और मैं 33 जिलों के दौरे किए मैंने, एक एक जिले का मुझे मालूम है कि यहाँ क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थितियों में मेरा एक ही निवेदन है सरकार से कि सबसे पहले आज मुख्यमंत्री घोषणा करें और 50,000 और 2-2 नौकरियां दोनों को दें, तब हमारी एक समानता और हमको न्याय मिलेगा, ये हमारी बात है। सर आपने अभी कहा कि आपके पास जो फैक्चुअल रिपोर्ट गया है उसमें मटके का रीज़न ऐसा नहीं बताया गया, और आप यहाँ आए तो देखिए हकीकत कुछ और है, तो क्या आपको लगता है कि जो परिवार ने FIR में लिखा है कि मटके को छू लिया था और जातिगत कारण है, वही रीज़न है इसके पीछे? वही रीज़न है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश गा रहा है, पूरा मीडिया बोल रहा है। ये पुलिस अगर इस चीज़ को दबाने छपाने की बात करेगी तो उसके लिए तो मैं पूरे थाने को सस्पेंशन की बात करूंगा। वो पूरा का पूरा ही क्या नाम अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह की लिपापोती की बात की है। ऐसी आयोग के नाते आप सरकार को क्या सिफारिशें करेंगे इस मामले को लेकर? ये सिफारिश मैंने जो आपको बोली है, मेरी सबसे बड़ी सिफारिश तो ये है कि 50,000 और 2-2 नौकरियां इसको भी और जीतन दोनों को दी जाए, जो पूरा डिमांड चली हुई है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर, हर व्यक्ति, हर जाति धर्म ने, सब लोग क्या नाम इस बात को डिमांड कर रहे हैं, वो एक डिमांड। और दूसरी, एक दिन के लिए प्रचार करें प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री, और ये कहें कि फला तारीख को शेड्यूल कास्ट की समस्याओं को हम रजिस्टर्ड करेंगे, तो हर व्यक्ति जो चाहे रस्ते की प्रॉब्लम है, खेत की प्रॉब्लम है, किसी ने जमीन दबा रखी है, किसी ने मकान दबा रखा है, वो सब अपने लिख लिख के रिकॉर्ड कराएं, और वो रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड लेके और देश को बताएं कि आज आज़ादी के 75 साल महोत्सव में, अमृत महोत्सव में शेड्यूल कास्ट की स्थिति है। सर ये जालौर, सिरोही, पाली 3 जिले, इनमें खासकर दलितों पर अत्याचार बहुत सारा ज्यादा हो रहा है, तो आपको नहीं लगता है सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए? मैंने पहले मेरी रिपोर्ट में कहा है और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ वो छठे और अच्छे और ऐसे योग्य अधिकारी को भेजना चाहिए जो कि बिल्कुल कर्मठ और इस चीज को ठीक कर सके। अरे मैं गया अभी, मैं रस्ते में चाय पीने उतर गया, बोलते हैं लिखा हुआ आप मोटरसाइकिल में नहीं जा सकते, आप जूती चप्पल उतार के उस इलाके में जाएंगे, इससे बड़ी और शर्मनाक क्या बात होगी कि 75 साल बाद हमारे लोगों की स्थिति है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। ये सरकार से बड़ा कौन है? सरकार ठीक नहीं करती तो कौन ठीक करेगा? तो पहला तो समानता करे, सरकार ये बताए कि हम सबके साथ एक हैं, और दूसरा ऐसे अधिकारियों को लगाएं जो जिनका इलाज करे। कोई भी आदमी इस तरह की हरकत करे इलाज कर दो, पुलिस के पास क्या पावर नहीं है? सर आप मानते हो कि इस मामले में अधिकारी कहीं कहीं लापरवाही? अधिकारी करते होंगे काम, लेकिन अति ज्यादा करने की जरूरत है, यह मजबूत अधिकारी को जरूरत है। जब वो आता है ना SP, तो इलाके में पहले सूचना हो जाती है कि टाइगर किस तरह का आया है, डर व्याप्त होता है, भयव्याप्त होता है। अगर जब मजबूत आदमी जब आता है तो इलाका छोड़ जाते हैं लोग गुंडे, ये जमीनों पर कब्जे किस बात के लिए भाई है? आज सरकार के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि हमारी जमीनों पर कितने कब्जे हैं,
हमें पूरे आए हुए पूरा जिले में घूमोगे, जमीनों के कब्जे छुड़वाओ, ये दो नंबर के काम बंद करवाओ, ये वही लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकत करके ये काम करते हैं। कुछ उस पर एक दिन पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए, देश की जो स्थिति है उसको, और ये जो आपका महोत्सव मना रहे हैं अपना आज़ादी का, उसके लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है उस पर चर्चा हो और कुछ निकल के आए उसके आधार पर ये चीज़ें निकले। 5 लाख दे दिए, कौन सी रेट निकाल दी भाई, 5 लाख की एक एक व्यक्ति की 5 लाख की बहुत कौन सी है, और एक की 50 लाख कौन सी है जिसको बिना मांगे मिल रहा है, और यहाँ तो डिमांड भी कर रहे थे। तो ये असमानता को समानता में लाना पड़ेगा, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी कि दोनों को, दोनों केसों 50 लाख रुपए और दो दो नौकरी चाहिए हमको, और विशेष सत्र की मांग करता हूँ मैं।